चांडाल दोष को पहले के समय में बहुत अशुभ माना जाता था, लेकिन हमें आज के संदर्भ में सभी दोषों की गणना करनी चाहिए। ये विद्रोहियों का समय है। ये दोष जिस भाव में होता है उसके अनुसार उसका प्रभाव अलग अलग होता है। आपको ये देखना होगा कि आपका गुरु चांडाल योग किस भाव में है, फिर आप देखें कि क्या आप उस घर को लेकर चली आ रही पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती दे रहे हैं। उदाहरण के लिए सातवां घर विवाह का घर है। राहु का गुरु कौन है? गुरु का अर्थ है बृहस्पति और चांडाल का अर्थ है बहिष्कृत व्यक्ति, जो मुख्य रूप से कब्रिस्तानों में देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में राशि चक्र के राक्षस राहु को चांडाल का दर्जा दिया गया है, इसलिए जब बृहस्पति राहु के साथ होता है तो गुरु चांडाल दोष बनता है। बृहस्पति और राहु की युति को गुरु चांडाल योग के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति को 9 घरों में सबसे अधिक लाभकारी ग्रह माना जाता है। इसे आध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है। इसका अर्थ पवित्रता है। यहाँ राहु को चांडाल कहा जाता है। चांडाल लाशों के बीच रहता है, तो ये दो विपरीत शक्तियां हैं। बृहस्पति मीन और धनु राशि का स्वामी है। प्राकृतिक राशि चक्र में ये 9वें घर और 12वें घर का स्वामी है। दोनों सदन आध्यात्मिकता, मोक्ष और भगवान के साथ संबंध से संबंधित है। जब बृहस्पति और राहु एक साथ हों तो व्यक्ति को आज्ञाकारिता, श्रद्धा और समर्पण की दैवीय नियमों का पालन करना मुश्किल हो सकता है। वो स्वाभाविक रूप से एक विद्रोही होगा और उसके विद्रोही स्वभाव के कारण उसे असफलताएं मिलेंगी। जहां भी जाएंगे उनका विद्रोह स्वभाव ही उनकी पहचान बनेगा। वो दूसरों से सवाल करना पसंद कर सकता है और उसके लिए दूसरों के साथ आसानी से घुलना मिलना मुश्किल होगा। उसे दूसरों का सम्मान करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। सरल शब्दों में कहें तो मनुष्य की नियमति और प्रमुख अभिव्यक्तियों की तुलना में उसकी अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तो गुरु चांडाल योग का निष्कर्ष निकालने का मतलब है कि आपके अंदर वो प्राकृतिक विद्रोही है और ये विद्रोही आपके रिश्तों में विघ्न पैदा करने की शक्ति रख सकता है। नमस्कार, सूर्य समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका कैसा रहेगा दिन, यानी कि साप्ताहिक राशिफल, यानी कि राशिफल के हिसाब से आपका पूरा सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, जानेंगे ज्योतिषाचार्य प्रदीप राहल जी के साथ। प्रदीप राहल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार। नमस्कार, धन्यवाद। राशि से शुरुआत करते हैं क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा रहने वाला है, और जो लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं राशि फल पर तो वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि ऑफिस जाने से पहले क्या करें या अपने किसी आज दिन की शुरुआत करने से पहले क्या किया जाए। तो क्यों ना मेष राशि से शुरू करते हुए कैसा उनका दिन रहने वाला है उसके बारे में जानकारी जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत होगी उनकी फैमिली में समय बिताने से, यानी कि वो अपनी फैमिली में कुछ समय बिताएंगे। इसके साथ साथ उनको फाइनेंशियल्स गेन होने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए। सप्ताह के अंत तक आते आते जब सप्ताह का एंड होगा तो वो काफ़ी अपने सोशल सर्कल में एक्टिव हो जाएंगे और अपने मित्रों से मिलेंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, और कुल मिला के मेष राशि के जातक वाले इस सप्ताह को इंजॉय करने वाले हैं। तो कुल मिला के मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह उत्तम रहने वाला है। अब इसके बाद बात करते हैं हम वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत होगी, आप अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। आपने जो अभी तक पिछले कार्य किए हैं, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपने एफर्ट डाले हैं पिछले सप्ताह, इस सप्ताह उनका परिणाम आपको मिलने वाला है, और इस सप्ताह आपका नाम बढ़ने वाला है, यानी कि आपको फेम मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपकी वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है, यानी कि सप्ताह में आपकी जो वाणी होगी वो मधुर होगी। सप्ताह के अंत तक आते आते कुछ यात्राओं का आपका योग बनने वाला है, यानी कि सप्ताह के अंत में आके आप कुछ धार्मिक यात्राओं पे जाने वाले हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी नकारात्मक रूप से होगी। उनका कुछ अननेसेसरली चीज़ों में उनके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से संबंधित आपके परिवार में समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर किसी की भी परिवार में स्वास्थ्य को लेकर अगर कुछ परेशानियां चल रही हैं तो प्रॉपर आप उनका ट्रीटमेंट कराएं, प्रॉपर उनको उनका डायग्नोस कराएं,
ताकि आगे चल के किसी प्रकार की बड़ी समस्या का आपको सामना ना करना पड़े। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते आपको इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। बस कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार की बीमारी भी अगर परिवार में है या आपको भी अगर किसी प्रकार की आशंका लग रही है तो आपको उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मेष, वृष, मिथुन राशि, ये तीन राशियां और कौन कौन सी चीजें इनके लिए बेहतर हो सकती है और कौन सी ऐसी चीजें जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो हमने प्रदीप जी से जान भी लिया है। इन बातों का खास ख्याल रखें क्योंकि ये आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। प्रदीप जी, आगे बढ़ते हुए अब कर्क राशि की भी बात कर लेते हैं कि उनके लिए कैसा राशि रह सकता है। जी, तो कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत फाइनेंशियल गेन से होने वाली है। इस सप्ताह आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसे मिलेंगे जिनसे आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलें अपनी प्रोफेशनल लाइफ को चमकाने के लिए या उनसे बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, तो आपको उन अपॉर्चुनिटीज को डेफिनेटली ग्रैब करने की आवश्यकता है। सप्ताह के मध्य तक आते आते आपको प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ यात्राएं करनी पड़ेंगी और ये सारी यात्राएं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई होंगी तथा उसका परिणाम आपको ये मिलेगा सप्ताह के अंत तक कि आपके जो बॉस होंगे, जो आपके सीनियर्स होंगे, जिन्होंने आपको वो प्रोजेक्ट्स दिए होंगे, उनसे आपको सराहना मिलने वाली है। यानी कि कुल मिला के प्रोफेशनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो ये सप्ताह है बहुत अच्छा रहने वाला है तथा वहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन्स और यात्राओं का भी लाभ मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली हैं, कुछ न्यू प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब करते हैं तो आपको प्रोफेशनल लाइफ पर आगे चलकर पदोन्नति के लाभ डेफिनेटली मिलने वाले हैं। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते चूंकि आपके ऊपर इस समय वर्क का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, न्यू प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो सप्ताह के अंत तक आते आते आपको ध्यान रखना है कि आपकी किसी प्रकार से सेहत को नुकसान ना पहुंचे, यानी कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। लेकिन कुल मिला के सिंह राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों की जो शुरुआत होगी वो होगी उनकी धार्मिक यात्राओं से। इसके बाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ चमकेगी तथा उनको माता पिता का सहयोग मिलने वाला है, छोटे भाई बहन का सहयोग मिलने वाला है तथा आपके जो भी सीनियर्स हैं वो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। तो साफ तौर पर क्या ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, राशिफल के हिसाब से आपका दिन, आपका सप्ताह कैसा रह सकता है, उसको लेकर तमाम जानकारी आपको दे रखी है। और अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि की भी बात कर लेते हैं, उनके लिए कैसा रह सकता है सप्ताह। तो तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत, अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। यानी कि अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलनी थी वो आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। लेकिन आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं या अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको विशेष रूप से वाहन चलाते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि अचानक से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन उसके अलावा हर प्रकार से आपका सप्ताह ठीक रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर आपका वैवाहिक जीवन अभी तक कुछ डिस्टर्ब चल रहा था, कुछ कहासुनी चल रही थी हस्बैंड वाइफ में, तो इस सप्ताह आपकी ट्यूनिंग अच्छी होने वाली है। यानी कि आपका जो आपस में तालमेल है वो अच्छा होने वाला है तथा आपको ससुराल पक्ष से सप्ताह के अंत तक आते आते लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपके पिता या आपके गुरु आपका सहयोग करने वाले हैं इस सप्ताह। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के जातकों की शुरुआत होगी, कुछ आपके जो शत्रु पक्ष है वो अचानक से आपके सामने आ सकते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर किसी भी प्रकार के कोई शत्रु आपके एक्टिव हो रहे हैं तो आपको इग्नोर करना है, वहाँ पर आपको रिएक्शंस नहीं देने, क्योंकि ये कुछ ही समय की बात है और सप्ताह के अंत तक आते आते आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वहाँ पर रिएक्ट कर देते हैं तो फिर ये सप्ताह पूरा काफ़ी उलझन पूर्वक आपका गुजर सकता है। अगर आप शादी के लिए अपना कुछ रिश्ते देख रहे हैं या आपकी योग्य है, विवाह योग्य उम्र है आपकी, तो इस समय पर आपको शादी का कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं और वो फाइनलाइज हो सकते हैं और आपकी शादी पक्की हो सकती है। तो कुल मिला के धनु राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर धनु राशि के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि कहीं भी आपने थोड़ा सा पेशेंस लूज किया तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, जैसे कि ज्योतिषाचार्य प्रदीप जी ने भी बताया है। तो इन चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखना। और प्रदीप जी, हम तो मानते ही हैं कि चीज़ों में अगर हम थोड़ा पेशेंस रखें तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो वो बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की भी बात कर लेते हैं, उनके लिए।
तो मकर राशि के जातकों की शुरुआत आपके संतान पक्ष से होने वाली है, यानी कि अगर आपकी संतान किसी परीक्षा में बैठे हैं या कोई किसी प्रकार की एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर उनके संबंध में आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। यानी कि संतान पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप अभी तक आपका कोई लव लाइफ एक्टिव नहीं था तो कोई ना कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, यानी कि प्रेम संबंधों में आप आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर पहले से आपके कहीं पर प्रेम संबंध हैं या आप उनको शादी तक ले जाने की बात कर रहे थे तो इस सप्ताह के अंत तक आते आते आपका वो रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है। तो कुल मिला के मकर राशि के जातकों के लिए संतान से जुड़ा हुआ पक्ष हो या फिर आपकी लव लाइफ का पक्ष हो या फिर आपकी शादी की बात हो, तो कुल मिला के तीनों ही तरीके से आपके लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर आप पहले से कुछ वाहन लेने का सोच रहे थे या कुछ प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे तो इस सप्ताह वो आपका मनोकामना पूर्ण हो सकती है, यानी कि आप इस सप्ताह में कुछ वाहन या कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप खुद से किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं या जहाँ पर आप HR का काम करते हैं या जहाँ पर आप लोगों को गाइड करते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपकी सेहत का, लेकिन ओवरऑल आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों की शुरुआत होगी आपके मिलनसार व्यवहार से। वैसे भी आप काफ़ी सामाजिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो मीन राशि के जातक इस समय पर अपना अधिकांश समय अपनी सोशल लाइफ में व्यतीत करने वाले हैं तथा सप्ताह के मध्य में आप विशेष रूप से आप घर के कार्यों में इन्वॉल्व होने वाले हैं तथा अपनी माता से आपको मिलने का मौका मिल सकता है अगर आप अलग रहते हैं तो इस सप्ताह में कुल मिला के आप अपने परिवार से जुड़ी हुई चीज़ों में एक्टिव रहेंगे तथा अपने सामाजिक चीज़ों में एक्टिव रहेंगे। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। तो ये थी 12 राशियां और साप्ताहिक राशिफल था, यानी कि पूरा सप्ताह आपके लिए कैसा रह सकता है, कौन सी ऐसी चीजें जिनका आपको बहुत खास ख्याल रखना है जिससे आपका सप्ताह खराब ना हो या फिर आपके जो दिनचर्या की आप शुरुआत कर रखे हैं या जिस काम की आप शुरुआत करने वाले हैं या किसी का शादी का संयोग बनने वाला, ऐसी तमाम चीजें जिसके लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो ज्योतिष आचार्य प्रदीप जी से हमने जाना। लेकिन एक और खास ख्याल किस बात का रखना है और वो हमारी राशिफल पर कैसे प्रभाव डालता है, अब आगे बढ़ते हैं उस पर हम बात करेंगे। प्रदीप जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि गुरु चंडाल क्या होता है, राशिफल पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बार हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि आखिर वो है क्या। तो गुरु चांडाल एक योग होता है, लेकिन अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो अगर आप गूगल करते हैं गुरु चांडाल जैसे ही आप लिखते हैं तो कुछ ज्योतिषाचार्य या कुछ काफ़ी बड़ी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, मैंने उनको चेक किया स्पेशली, तो वो उसको दोष लिख देते हैं। लेकिन गुरु चांडाल एक ज्योतिष में योग होता है, ना कि दोष होता है जी। और इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा डराया जाता है। तो किस प्रकार से वो हमारे जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि गुरु चांडाल जो योग है वो योग क्या होता है जी। तो गुरु चांडाल योग तब बनता है जब गुरु और राहु एक साथ होते हैं, यानी कि देव गुरु बृहस्पति जुपिटर हमारी कुंडली में और राहु चूंकि दैत्य है, तो जब उन दोनों की युति हमारी कुंडली में होती है किसी भी भाव में तो उस समय गुरु चांडाल योग बन जाता है, तो वो दोष नहीं होता है। अब वो किस प्रकार से हमें अच्छे या बुरे रिजल्ट दे सकता है, जनरली आपने देखा होगा कि इस नाम से काफ़ी भयभीत हो जाते हैं लोग, डरते हैं कि गुरु चांडाल योग बन गया है तो पता नहीं कितना कुछ हमारे जीवन में ख़राब कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, रहीम की कहावत है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कि यानी कि चंदन पर इतने सारे सांप लिपटे हुए होते हैं लेकिन तब भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं त्यागता है। तो अगर राहु के साथ बैठने से वो गुरु ही खराब हो जाए तो फिर वो गुरु किस बात का जी। तो अगर गुरु मजबूत है तो वो खराब नहीं होगा, लेकिन अगर गुरु सिर्फ वो नाम का है और उसके अंदर पावर नहीं है तो वो खराब हो जाएगा किसी के भी संबंध में आने से, किसी भी दैत्य के संबंध में आने से। तो गुरु चांडाल योग जब बनता है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो आपकी कुंडली में गुरु है जिस भी राशि में बैठा है उसकी पोजिशन क्या है। अगर गुरु आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठा है, मजबूत स्थिति का मतलब कि गुरु आपकी पत्री में उच्च का है, यानी कि कर्क राशि का है या मेष राशि का है या वृश्चिक राशि का है या सिंह राशि का है या फिर अपने ही घर में है यानी कि धनु में या मीन में, तो वहाँ पर गुरु पावरफुल होता है। किस प्रकार से कि अगर अपने ही घर में बैठा है गुरु यानी कि धनु में या मीन में, तो आपने देखा होगा जब गुरु के घर कोई भी जाता है, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो अच्छा इंसान हो, चाहे वो बुरा इंसान हो, तो हमेशा गुरु के सामने सिर झुका के चलता है,
क्योंकि वो कुछ लेने जा रहा है, उससे कुछ सीखने जा रहा है। तो इसी प्रकार से कुंडली में भी क्या होता है कि अगर गुरु की स्थिति अच्छी है, गुरु पावरफुल है, तो राहु उसके अंडर में काम करता है। लेकिन अगर गुरु कमजोर हुआ, जैसे नीच का गुरु हो सकता है, शत्रु राशि का हो सकता है, उस केस में राहु उसको ओवरकम कर लेता है, यानी कि राहु की चलती है और गुरु पीछे चला जाता है, तो उस स्थिति में वो बहुत ही खराब रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर गुरु पावरफुल है, तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि गुरु डबल पावरफुल हो गया, क्योंकि उसके अंडर में अब राहु भी कार्य कर रहा है। और राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो सिर्फ जिसका सिर है, राहु का, केतु का क्या है, सिर्फ धड़ होता है। तो यानी कि उस गुरु के पास वो कैलकुलेशंस भी आ गई हैं जो किसी मान्यता को ना माने या जो कोई भी कार्य निकालने में सक्षम हो। और आज के टाइम में आपको क्या चाहिए होता है कि आप किसी भी प्रकार से कार्य निकाल पाएंगे। अगर आप सिर्फ भला करते रहेंगे तो आप खुद शायद आगे बढ़ पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है आज के डेट में। तो गुरु चांडाल योग जब भी बनता है वो हाईली सक्सेसफुल भी बना सकता है आपको, लेकिन अगर खराब स्थिति में रहा तो सब कुछ खराब भी कर सकता है। यानी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और उसी तरह से इसे भी देखा जा सकता है, नुकसानदायक भी है लेकिन लाभदायक भी हो सकता है। प्रदीप जी, सबसे खास बात तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी राशि पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर सवाल। देखिए, आपके ऊपर उसका कैसे प्रभाव पड़ेगा मैं उसको बताता हूँ। होता क्या है कि आपकी कुंडली में जब गुरु अच्छा होता है, बृहस्पति अच्छा होता है, तो आप जेनरस होते हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है, आपका कोई भी कार्य नहीं अटकता है, गुरु आपको ज्ञान देता है, गुरु आपको जेनरस बनाता है। गुरु हमारी कुंडली में 5 घरों का कारक बनता है, यानी कि धन का, परिवार का, शिक्षा का, संतान का, फीमेल की कुंडलियों में पति का भी कारक बन जाता है, धर्म का, कार्य का और लाभ का, यानी कि इन सारी चीज़ों को गुरु गवर्न करता है। तो अगर किसी का बृहस्पति खराब हो गया तो इन सारी चीज़ों में कमी आ जाएगी, और जो आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो गुरु देता है। अगर किसी का गुरु खराब हो जाता है तो उसकी मॉरल वैल्यूज़ खराब हो जाती हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर आपका गुरु पहले से ही खराब है, हम गुरु चांडाल की भी बात नहीं करते, लेकिन आपका गुरु कमज़ोर है, तो ऐसे में ये होगा कि आपके अंदर से इन सारी चीज़ों में कमी आ जाएगी। यानी कि आपको परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, आपको संतान का से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप अगर फीमेल की कुंडली है तो उसमें पति हो सकता है अच्छा ना मिले या वैवाहिक जीवन अच्छा ना रहे। इवन मेल की भी अगर कुंडली है, पुरुष की भी अगर कुंडली है, तो उसमें अगर गुरु अच्छा नहीं है और तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको अच्छी पत्नी मिल जाए। मोरली अगर शुक्र अच्छा है तो सुंदर मिल सकती है, फैशनेबल मिल सकती है, अच्छा वो वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से अच्छी मिलेगी ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो अगर गुरु खराब हो जाए तो काफ़ी सारी चीज़ों को वो आपकी लाइफ से नकारात्मक रूप में ले जाता है, यानी कि आप हर चीज़ में स्ट्रगल कर सकते हैं। और उसमें अगर गुरु चांडाल योग भी बन जाए तो फिर तो डिजास्टर ले आएगा आपकी लाइफ में, मतलब वो हर जगह आपको बदनामी दे सकता है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ को खराब कर सकता है, आपके करेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, आपको शिक्षा से वंचित रख सकता है, आपको संतान से वंचित रख सकता है, और आपको बदनामी का आपके साथ डिसीव भी हो सकता है, यानी कि आपको लोग धोखाधड़ी से आपको मात दे सकते हैं और आपके साथ मतलब बहुत कुछ अनर्थ कर सकते हैं आपके साथ। तो इस प्रकार से ये हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। एक और जो खास बात मानी गई है प्रदीप जी, वो ये है कि गुरु चांडाल को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये अशुभ नहीं है, किसी परिस्थिति में ये अच्छा है, किसी परिस्थिति में ये खराब है, कोई भी हो सकता है, कोई भी योग हो सकता है। क्योंकि ये अगर मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला, अगर ये अच्छी राशि में बन रहा है, यानी कि गुरु अगर मजबूत है और गुरु चांडाल योग बना है, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ये खराब नहीं होगा। लेकिन अगर गुरु आपका कमज़ोर है और राहु बलवान हो गया है, तो ये आपकी लाइफ में ख़राब हो जाएगा। तो आपको जब भी गुरु चांडाल योग अगर कोई बोलता है, मतलब जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं या कोई भी आपको सुनने में आता है कि जी आपकी पत्री में गुरु चांडाल योग है, तो आप उसका प्रॉपर पहले विश्लेषण कराएं और ये जान लें कि आपका गुरु वाकई में क्या कमज़ोर है उस कुंडली में। अगर गुरु कमज़ोर नहीं है तो उल्टा आपको इससे लाभ मिलेगा गुरु चांडाल योग से, लेकिन अगर गुरु कमज़ोर हो गया आपका तो फिर ये आपके लिए खराब हो सकता है, तो फिर आपको इसके उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी शांति के लिए क्या किया जा सकता है? जी, जब हम इसके उपाय की बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको राहु को कमजोर करना पड़ेगा और गुरु को आपको बलवान करना पड़ेगा, क्योंकि राहु खराब कर रहे हैं। तो राहु से जुड़ी हुई चीजों का आपको दान करना चाहिए और गुरु से जुड़ी हुई चीजों का आपको यूज करना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर गुरु आपकी पत्री में योग कारक प्लेनेट है तो आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं, यानी कि आप पुखराज पहन सकते हैं जी। आप विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिए, आप एकादशी के व्रत कीजिए, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। तो अगर आप गुरु
दूसरा क्या होता है कि जब गुरु चांडाल योग बनता है तो ऐसे लोग धार्मिक नहीं होते, अगर गुरु कमजोर है उस केस में तो धार्मिक नहीं होंगे, मॉरल वैल्यूज नहीं होंगी, बड़ों का कहा नहीं मानेंगे, किसी बात को नहीं मानेंगे, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहेंगे। तो ऐसे में उनको सजेस्ट ये किया जाता है कि आप पूजा पाठ में अपना मन लगाइए ताकि गुरु ऑटोमेटिकली आपका प्रबल होना शुरू हो जाए, क्योंकि राहु आपको करने नहीं देगा, आपका मन नहीं करेगा पूजा करने का, लेकिन आप अपने आप को फोर्स कीजिए। इसके साथ साथ आप माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरु के जैसे जो आपके जीवन में व्यक्ति हैं उनसे आप राय लीजिए, उनका कहा मानिए, उनकी सेवा कीजिए, बड़ों की सेवा कीजिए। अगर कुछ ऐसी नैतिक चीज़ें भी आप करते हैं तो भी आपको इस दोष से या इस योग से, बेसिक कहूँगा कि इस योग से आपको नकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलेगा। बार बार आपने इस बात का जिक्र किया है गुरु और राहु, गुरु राहु की हम बात लगातार करते आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि गुरु और राहु एक साथ होने से क्या होता है? गुरु और राहु के एक साथ योग, जब एक साथ वो बैठते हैं किसी कुंडली में तभी ये योग बनता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हो रही है कि कई बार लोग ना दृष्टि संबंध को भी बोलते हैं, यानी कि गुरु राहु को देखे या राहु गुरु को देखे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गुरु राहु को देखे या राहु गुरु को देख ले तो कोई भी उसमें गुरु चांडाल योग निर्मित नहीं होता है, वो साथ बैठने पर ही होता है, यानी कि दोनों जब साथ बैठे वो तभी बनता है। चलिए, इसके क्या उपाय हो सकते हैं और इसके लिए इतना ज़्यादा हमें नेगेटिव होने की या इसके बारे में इतना गलत सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने कहा कि अच्छा या बुरा नहीं है, डिपेंड करता है कि परिस्थितियाँ कैसी हैं। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, अब गुरु चांडाल योग में कौन सा रतन पहनना चाहिए? जो लोग विश्वास करते हैं इस चीज़ पर, तो इसकी जानकारी भी दर्शकों को। तो गुरु चांडाल योग के लिए आपको पुखराज, जैसे मैंने कहा, या अगर पुखराज आप नहीं पहन सकते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट रत्न आता है सुनहरा, वो आप पहन सकते हैं। तो अगर आप पुखराज पहनते हैं और आपकी पत्री में लेकिन वो योग कारक प्लेनेट होना चाहिए गुरु, तो पहले रत्न पहनने से पहले आपको विशेष रूप से आपके कुंडली का विश्लेषण कराना ही पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि गुरु किसी खराब घर में बैठा हो या गुरु कमजोर हो। मान लीजिए गुरु अगर आप किसी की पत्री में 8वें या 12वें घर में बैठा है और वहाँ पर आपने उनको पुखराज पहना दिया तो वो अच्छा करने की बजाय उल्टा खराब करेगा, यानी कि आपको उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि वो रोग कारक बना दे। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, मेरे जहन में भी सवाल था। अक्सर कई बार हम जो मित्र बैठते हैं बात करते हैं तो उनसे भी कई बार सुनने में मिलता है कि हम पहन तो लेते हैं लेकिन उसका असर हमें नजर नहीं आता, या हम कहते हैं कि ठीक है ये पहनने को तो पंडित जी ने कह दिया लेकिन इसका कोई अच्छा फायदा हमें नहीं मिल रहा। तो ये भी दर्शकों को समझाएं कि जब भी हम कोई रत्न धारण कर रहे हैं तो उससे पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर शायद हम गलत तरीके से उसे धारण कर ले तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, रतन पहनने का क्यों पहना जाता है, रतन किसी भी एक प्लेनेट की, जिसका भी आप स्टोन पहन रहे हैं, उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरी एक पावर है, लेकिन अगर मुझे उस पावर से मेरा काम नहीं हो रहा है तो मुझे मल्टीविटामिन खानी होगी या कोई ना कुछ ऐसी चीज़ लेनी होगी जिससे मेरी एनर्जी बढ़े। लेकिन अगर मैं किसी गलत संगत में हूँ और मैं गलत जगह पर बैठा हुआ, मान लो अपना ही नाश करने के लिए मैं किसी शत्रु के साथ मिल गया या आपने कहीं जाके ऐसी जगह बैठ गया जो आतंकवादी बन गया, वहाँ पे आप मुझे अगर आप ऐसी चीज़ करोगे तो मैं डिजास्टर ले गया। तो यानी कि अगर मेरी स्थिति शुभ है, मैं सही जगह पर बैठा हूँ और मेरी में कुछ पहले से अच्छा करने की पावर है, तो आप स्टोन पहने। इसीलिए कुंडली में बैठे हुए अगर कोई प्लेनेट 8वें या 12वें घर में विशेष रूप से बैठता है तो उसका हम स्टोन नहीं पहनाते, तो कुंडली दिखाने के बाद ही पहनते हैं स्टोन को। दूसरा एक इसमें मत ये भी है, कुछ ज्योतिष मानते हैं कि कोई प्लेनेट अगर नेगेटिव आपको प्रभाव दे रहा है तो आप जी उसका स्टोन बना दीजिए। तो कई बार देखा गया है कि लोग 8वें 12वें के घर में बैठे हुए प्लेनेट्स का भी स्टोन बना देते हैं, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, उल्टा खराब करता है, और उसी से फिर ये सारी जितनी चीज़ें समाज में फैली हैं कि जी ये अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ तो उल्टा बुरा हो गया, वो उसी कारण से होता है कि आपने प्रॉपर उसका विश्लेषण किया नहीं, नॉलेज आपने सही से अप्लाई की नहीं, साइंटिफिक तरीके से आपने एंगल से सोचा नहीं और आपने कुछ भी उनको पहना दिया, तो उस केस में वो फिर ख़राब हो जाता है। तो अगर आप सही स्टोन पहनते हैं, स्टोन ठीक हो और आपका वो प्लेनेट ठीक जगह बैठा है, तो 100% वो आपको अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, 100%। तो गुरु चांडाल क्या है, कैसे आपकी राशि पर प्रभाव डालता है, ये आपके लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये एक विशेष चर्चा हमने की है जो अक्सर लोगों के जहन में सवाल होता है। और उसी के साथ आपकी 12 राशियां पूरे सप्ताह आपके लिए किस तरह के रहने वाले हैं, तो उसको लेकर भी हमने जानकारी ली है। और अगली बार फिर हम हाजिर होंगे खास पेशकश लेकर, आपका कैसा रहेगा दिन, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे प्रदीप राहल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे खास पेशकश में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए। देखते रहिए सूर्य समाचार, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।